रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर। अपने बचपन की एक कहानी जो मैंने पिछले दिनों अपनी मिर्ची के एक अखबार में दी थी वो कुछ कहने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा, शायद आपका भी बचपन इससे मैच करता है। आगे आप जो भी सुनने वाले हैं वो बिल्कुल वास्तविक है और ये बातें आपको विचलित कर सकती हैं, पर इसका आपके जीवन से कोई सरोकार नहीं है, और अगर है भी तो ये मात्र इत्तेफाक है। पर फिर भी इसे सुनते वक्त यदि आप इस कथाकार से किसी भी तरह की सहानुभूति होती है तो आप इसकी सिर्फ आर्थिक मदद कर सकते हैं। ये कहानी है 31 अगस्त के दिन पैदा हुए एक बच्चे की। जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन ऋषि पंचमी का दिन था। माँ बाप लगा यदि नाम ऋषि रख देंगे तो बच्चा साधु संत जैसा हो जाएगा, तो फिर विचार हुआ और विचार के चक्कर में नाम उसका ऋषि के साथ गौरव रखा गया ताकि बेटा तेजस्वी और यशस्वी। पर नाम से क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो बनना होता है वो बन ही जाता है। बस गौरव और ऋषि अपने मन की बातें करने लग गया। पढ़ने लिखने का शौक बचपन से थोड़ा कम था, पर शरारत का पाठ हर दिन के साथ बड़ी मजबूती से पढ़ गया। माँ बाप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में हम क्या क्या कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि दो और भाई होने के कारण स्कूल में होने वाले हर घटनाक्रम का वर्णन घर पर होता, और इस चक्कर में रोज रात खाने पीने के साथ दो चार शानदार झापड़ भी खा जाता। मासूम सी शक्ल के साथ भगवान ने थोड़ी अक्ल जरूर दी थी मुझे। तो घर में जब भी कभी मास्टर साहब होमवर्क दे जाते थे तो अपनी शरारत का बड़ी ही शातिर तरीके से इस्तेमाल करता। एक बार गर्मी की छुट्टी की यह बात है, मास्टर साहब ने होमवर्क दिया था और कहा था लौट कर देखेंगे। भाई लोग पढ़ाई में थोड़े तेज हैं, उन्होंने पूरा कर लिया था। कुछ दिनों के बाद जब मास्टर जी लौटे तो होमवर्क दिखाने को कहा। बाकी भाइयों ने एकदम नंबर वन पढ़ाकू की तरह अपना अपना दिखा दिया, लेकिन गौरव की कॉपी कहीं खो गई। यह बात कहकर मास्टर जी भी मान गए, शक्ल मासूम थी। उसे लगा उसने मास्टर जी को टोपी पहना दी है, पर मास्टर जी दुनिया को टोपी पहना चुके थे। गौरव को तो कहा ठीक है, पर उसके भाइयों को कॉपी ढूंढने का ठेका दे दिया। आत्मविश्वास से लबरेज गौरव कहता है सर कॉपी खो गई है, मिल नहीं सकती। मास्टर जी ने फिर पूछा पक्का? मैंने कहा जी सर। तभी मेरी नजर अपने बड़े भाई के हाथ में रखी एक कॉपी पर पड़ी। ये कॉपी बिल्कुल मेरी उस खोई हुई कॉपी से मिलती जुलती थी। कॉपी खुली और होमवर्क नदारद दिखा। मास्टर जी जो एकदम सीधे साधे थे अचानक जैकी चैन का रूप और बुजली का रूप धारण कर लेते हैं। कहते हैं बेटा ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मास्टर साहब ने पिटाई अच्छे से की और कहा अगली बार ऐसा कुछ मत करना। मन भी बेहया था, मान गया, कह दिया मान लीजिए कोई बात नहीं फिर सुधर जाऊंगा। साल दर साल बीतते चले गए और पढ़ाई के रिजल्ट में लाल स्याही के निशान बढ़ते चले। फेल होना मानो मेरी किस्मत में था, इसलिए हर क्लास ठीक ठाक थोड़ा बहुत पास कर कर आगे निकल जाता था। वैसे गौरव के जवान होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। चेहरे पर आने वाले दाढ़ी बाल उसे उम्र से पहले ही बुढ़ा कर देंगे, यह सोचकर उसने एक दिन प्रण किया कि वो इससे छुटकारा पाकर रहेगा। पर ब्राह्मण होने के कारण मन में एक डर भी था कि पिताजी अगर जान गए तो क्या होगा, इस बात का थोड़ा खौफ था। खैर खूबसूरत दिखने के चक्कर में, क्लास की लड़कियों में हैंडसम दिखने के चक्कर में यह रिस्क भी हमने उठा लिया। भाई जाकर बाजार से एक सटा सट ब्लेड वाली दाढ़ी वाला रेजर खरीद लाया, साफ किया और आईलाइनर वाली पेंसिल से नकली मूंछ दाढ़ी बनाई। घर पहुंच गया इस बात से अनजान की पसीने की हर बूंद उस मूंछ दाढ़ी को हल्का कर रही है। निडर होकर घर में घूम रहा था, पिताजी का कुछ संदेश आ, उनका चेहरे का भाव बना और कहा और जांच शुरू कर दी। इंटरोगेशन शुरू हुआ तो धीरे धीरे सच्चाई सामने खुल गई। पिताजी उस दौर में काफी कद काठी के मजबूत थे। सूजन दो चार दिन रही। समय जैसे जैसे बीतता गया वो जख्म भी हल्के हो गए, लेकिन शैतानी के साथ थोड़ी समझदारी और जिम्मेदारी का पाठ भी हमने पढ़ना शुरू कर दिया था।
कहते हैं घर के बड़े बुजुर्गों में मान सम्मान तभी बढ़ता है जब आप थोड़े उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस चक्कर में अपने घर में दादी से अच्छी पैठ बन गई। अपनी शैतानी और वाकपटुता के लिए घर, दोस्त और मोहल्ले में सबके चहेते बन गए। जिंदगी हर कड़े अनुभव के साथ कुछ अच्छा लाती है। बस इसी तरह क्लास 12th में स्कूल का डिसिप्लिन कैप्टन बन गया। कुछ लोग मुझसे जलते थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि जैसे चोर को कोतवाल बना दो तो चोरी कम हो जाती है, वैसे ही प्रिंसिपल ने गौरव को डिसिप्लिन कैप्टन बना दिया है, अब स्कूल में शैतानी कम हो जाएगी। खैर, स्कूल में आखिरी 2 वर्ष में पढ़ाई को छोड़कर बाकी हर चीज में मैं नंबर 1 था। खूब चर्चाएं बटोरी, रिजल्ट आया और फर्स्ट डिविजन से स्कूल खत्म करने का सपना टूट गया। वो भी 1% से। खैर, हिंदी विषय में अच्छी पकड़ होने के चलते सारे दोस्तों ने मेरे घर पर ही आकर हिंदी की पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट आने पर सबसे कम नंबर मेरे ही थे। भाई, मैंने सभी मित्रों से अनुरोध किया कि देखो 2-4 दिन मेरे घर कोई नहीं आएगा, पर दोस्त तो दोस्त होते हैं, कहां मानने वाले थे। खुद तो आए, रिजल्ट भी लेकर आए, ने मेरे सारे मित्रों के रिजल्ट से मेरी तुलना शुरू कर दी। स्कूल खत्म होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग से बीकॉम पास के कोर्स का सपना पूरा किया, क्योंकि हरिश्चंद्र जैसे कॉलेज में पढ़ना मेरे जैसे बच्चों की हिम्मत नहीं। वैसे इस दौरान एक टेलीकॉम कंपनी में नौकरी भी मिली, जहां जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। जिंदगी का पहला प्यार भी यही हुआ, पर मजाक इतना करते थे कि लड़की को लगा मजाक ही हो रहा है। समय बीता और किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। देश में कई नए रेडियो स्टेशन खुलने लगे, FM में नौकरियों की बाहर आ गई। भाई, मैंने भी अपने पिताजी से कहा मैं भी रेडियो जॉकी बनूंगा। उन्हें विश्वास था जो कुछ नहीं बना वो ये तो बन ही सकता। खैर, इसी अनुभव के साथ शहर के पहले रेडियो जॉकी होने का सौभाग्य मिल गया। जिन बातों के लिए पहले गाल लाल होते थे, आज उनको कर कर पैसे कमा लेता हूँ। आप भी अपने अंदर के बच्चों को कभी मरने मत दीजिएगा, उस बच्चे को जिंदा रखिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति अपने अंदर का बचपन जिंदा रखता है वो बुढ़ापे में भी जवान ही रहता है। Watch the latest comedy, music and poetry videos only on Nojoto app. Download the app now.